नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको SBI गोल्ड लोन के बारे में बताऊंगा कि SBI गोल्ड लोन स्कीम क्या है और आप इसका किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गोल्ड लोन एक पर्सनल लोन की तरह होता है, जो कि आप गोल्ड को गिरवी रखते हो और बैंक आपको लोन देती है। सिंपल कि आपको आपके गोल्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंगली लोन मिलता है। बैंक आपसे पर्पस नहीं पूछता कि आपको गोल्ड लोन किस लिए चाहिए, आप इसका यूज़ किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो। सिविल स्कोर इसमें भी चेक किया जाता है, बैंक बिल्कुल देखेगा कि आपका सिविल स्कोर सही है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत डिफ़ॉल्ट है तो गोल्ड लोन में चल सकता है, लेकिन अगर यदि ज़्यादा डिफ़ॉल्ट है तो बैंक शायद आपको गोल्ड लोन ना दें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए आपकी, क्योंकि बिना उसके आप लीगल एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाएंगे। एलिजिबल गोल्ड के अंदर आप ये समझिए, अगर यदि आपके पास गोल्ड बार है या ब्रिक्स है तो उस पर आपको गोल्ड लोन नहीं मिलेगा। गोल्ड लोन सिर्फ आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स पर मिलेगा, यानी कि जो ज्वेलरीज हैं उसी पर ही मिलेगा। सिक्कों पर और ये बार्स पर आपको गोल्ड लोन नहीं दिया जाता। हर बैंक का अपना एक वैल्यूअर होता है, जो कि आपकी गोल्ड की वैल्यू और उसकी गुणवत्ता और उसकी कितनी प्योरिटी है वो सब टेस्ट करता है। तो पहले आपको वहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बैंक आपको रेफ़र करेगा कि किस गोल्ड वैल्यूअर के पास आपको जाना है। लोन टू वैल्यू वाली चीज़ है, मान के चलिए अगर आप 1 लाख का गोल्ड दे रहे हैं तो बैंक आपको लगभग 75,000 रुपये के करीब का लोन दे देगा। हो सकता है ये थोड़ा बहुत वेरी भी हो जाए, लेकिन आप ये सब मान के चलिए 75% तक का आपको वैल्यू मिलेगी। SBI में अगर यदि आपको गोल्ड लोन चाहिए तो मैक्सिमम 20 लाख का मिल सकता है और मिनिमम 20,000 का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है गोल्ड लोन में, 1.25 MCLR। अगर ये आज की डेट में मैं बात करूं तो बैंक आपको 7.5% पर ही लोन दे देगा, 7.5 या 8% के आसपास सालाना। सिक्योरिटी में मैंने जैसा कहा था कि गोल्ड की जो भी आप गोल्ड रखेंगे वो बैंक अपने पास सिक्योरिटी रखेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस 0.5% लोन अमाउंट की प्लस GST, मतलब 1 लाख का अगर आप लोन ले रहे हैं तो 500 रुपये प्लस GST आपको पेमेंट करना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 3 तरह के गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है। पहला है SBI पर्सनल लिक्विड गोल्ड लोन, इसका टेन्योर 36 महीने के लिए होता है। आपको ये लास्ट में जो भी रीपेमेंट है वो 36 महीने बाद पेमेंट करना होता है। मार्जिन वही 25% रखा जाता है। एक होता है बुलेट रीपेमेंट, मतलब वो 12 महीने के लिए गोल्ड लोन आपको दिया जाता है और आपको पेमेंट एंड ऑफ द यानी कि 12 महीने के बाद सारा पेमेंट एक साथ करना होता है। एक होता है EMI बेस्ड गोल्ड लोन, जो कि नॉर्मल 36 महीने के लिए दिया जाता है। आपको इसमें रेगुलरली हर महीने EMI पे करनी होती है। तो एकाएक जब गोल्ड का तब आपके लोन का पीरियड ख़त्म होता है तो आप पर अचानक बर्डन नहीं पड़ता। लोन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में चाहिए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अगर आप 3 लाख से नीचे का गोल्ड लोन ले रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 3 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं तो बैंक आपसे आपके इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह पूछ सकता है, ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि आप इसका रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी, जो नॉर्मल आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी एग्रीमेंट में एप्लीकेबल है वो आपको पेमेंट करनी है। डिसबर्समेंट डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में जाता है, वहाँ से आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप रीपेमेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू करेंगे, मतलब सेविंग अकाउंट से आपका पैसा गोल्ड लोन अकाउंट में जाएगा। आप इस लोन को कभी भी क्लोज करा सकते हैं, प्री क्लोजर पेनल्टी कोई नहीं है इसके अंदर। आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाके ये लोन ले सकते हैं या किसी और बैंक में भी जाके लोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने गोल्ड लोन से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दी होंगी। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड।